देखिए, बिहार के मामले पर हमेशा चाहे जो भी प्रधानमंत्री हो, और हाल साल के दिनों में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो बिहार के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं सिर्फ, बल्कि कुछ कर दिखाने की भी कोशिश किया और किया भी उन्होंने। और इस बार जो दोबारा उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि बिहार की जो भी समस्या है उसका हल ज़रूर निकालेंगे। और इसके लिए हम सबों के नेता श्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह से सोच विचार करके जो जो बड़े सवाल हैं उसका हल कराने का भी प्रयास करेंगे। मतलब कौन कौन से ऐसे? जैसे बिहार में बहुत बड़ा काम अभी तो इंडस्ट्री का है, रोज़गार का है, और रोज़गार की दिशा में बिहार में पहल हम करेंगे, तभी यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और बिहार की सेहत तभी ठीक हो सकती है जब लोगों के रोज़गार से उसको जोड़ने का काम हो। जदयू से भी कई मंत्री बनेंगे इस बार? ये तो हम सब के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी इसको तय करेंगे कि जेडीयू कोटे से कौन कौन मंत्री बनेंगे, मंत्रिमंडल में शामिल होंगे कि नहीं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। और ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि किसको मंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि बेहतर प्रदर्शन हुआ है बिहार में NDA का, और मैं समझता हूँ बेहतर प्रदर्शन होने के नाते बिहार के से मंत्रिमंडल में लोगों को जगह मिलेगी, और जगह सिर्फ नहीं मिलेगी, बिहार में जो अपेक्षाएं हैं बिहार के लोगों का वो भी पूरा होगा। विशेष राज का मांग आप लोग कर रहा है पुराना, क्या लगता है इस बार कुछ हो जाएगा? देख, बिहार का विशेष राज का दर्जा हमारा पुराना सवाल है, वो सवाल आज भी कायम है, लेकिन जो बिहार में जिन राशि की जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है और जब जब बिहार मांग किया है, तो देश के प्रधानमंत्री ने उसको देने का काम किया है। और चाहे रोड का इशू हो, चाहे अन्य इशू हो, सब इशू पर हमको धन मिला है और उसका हमने उपयोग किया है, राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया है। ललन सिंह आज इस्तीफा दे दिया है बिना परिषद से? देखिए, इस्तीफा तो जितने सांसद चुने गए हैं सब एक एक करके इस्तीफा देंगे। 14-15 दिन के अंदर जो भी सांसद चुने गए हैं और दूसरे जगह विधानसभा विधान परिषद के अगर सदस्य हैं, तो उनको 14 दिन के अंदर इस्तीफा करना कानूनी बाध्यता है। उस हिसाब से सभी माननीय सदस्य, मैं समझता हूं कि 14-15 दिन के अंदर सभी इस्तीफा करेंगे।